हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इजी जुहू स्टाइल पाव भाजी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 किलो गोभी, 1.5 किलो शिमला मिर्ची और 1.5 किलो गाजर, और सबको मैंने धुल के काट लिया अच्छे से। अब मैंने लिया है 3 बड़े साइज़ के आलू, उसे भी छिल कर काट लिया है, और 3 साथ ही हरी मिर्ची रख दिया है, इसे भी हम साथ में बॉईल करने के लिए, और 1 प्याली भर के मैंने मटर शामिल किया है। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप कोई भी अपनी पसंद की सब्जी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को कुकर में डाल के 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक ऐड करके उसे मिक्स कर लेना अच्छे से, और कुकर और ढक्कन बंद करके 7 से 8 सीटी हाई फ्लेम पर लगाना है। और सीटी सारी निकलने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से गल गई है, देखो चम्मच से ही मैश हो रही है ये। अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। अगर आपको थोड़ी खड़ी भाजी पसंद है तो आप थोड़ी खड़ी रहने दीजिए। अब मैंने लिया 3 बड़े साइज़ के प्याज, उसे फाइन चॉप कर लिया है, और 1 कढ़ाई में ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने ऐड किया है 100 ग्राम बटर, और दोनों को साथ में मेल्ट कर लेना है। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से भूनना है हमें, इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है। देखिए प्याज अच्छे से भून रही है, लेकिन इसका कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अभी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे अच्छे से कुछ देर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, आपके पास अगर लाल टमाटर तो वो ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और टमाटर प्याज अच्छे से भूनना है, इतना देर भूनना है ताकि हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। इसे सॉफ्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, इससे जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और जीरा पाउडर, और ये है पाव भाजी मसाला, इसे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके भूनना है। थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने ऐड किया है रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अब अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया अपनी सब्जियां मैश की हुई, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही। अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरे धनिया, और इसे मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो करके ढककर 5 से 10 मिनट पकाएंगे इसे। देखिए इसे थिकनेस देखिए, इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, पतली होते अच्छी नहीं लगती है टेस्ट का। अब इसमें ऐड करेंगे हम हाथों से क्रश की हुई कस्तूरी मेथी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, बीजें हमें निकाल लेनी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका नमक एक बार चख लेंगे, नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने और ऐड किया इसमें।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इस थिकनेस देखिए कितनी परफेक्ट हो गई है। आप इसमें हम ऐड करेंगे बटर, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा पाव भाजी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब बस हम पाव फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने डाला थोड़ा सा बटर 1 टेबल स्पून के करीब, और साथ ही मैंने शामिल किया पाव भाजी मसाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा पाव भाजी का सब्जी जो हमें रेडी किया था वो। अब हम पाव को बीच में से कट कर लेंगे और इस पर सेक लेंगे। इसे पाव फ्राई करके खाने बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा आता है। चलो इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमारी जूहू स्टाइल पाव भाजी एकदम रेडी है। इसे कलर देखिए, थिकनेस देखिए, एकदम परफेक्ट है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे हम गार्निशिंग कर देते हैं नींबू और प्याज के साथ।